भारत और पाकिस्तान के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे विश्व कप 2023 के महामुकाबले के दौरान पाकिस्तान की टीम 150 के आंकड़े को पार कर चुकी है। महज 30 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने 150 के आंकड़े को पार किया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को यहां पर लग गया है तीसरा झटका। तीसरे झटके के रूप में कप्तान बाबर आजम आउट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन इन स्विंग में यहाँ पर बाबर आजम को आउट किया। बड़ी बात यह रही कि अपने 7वें ओवर की 4थी गेंद पर बाबर को यहां पर सिराज ने सीधा बोल्ड मारा और बाबर और रिजवान के बीच एक शानदार 82 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। एक समय था जब पाकिस्तान का स्कोर 73-2 था, लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करेगी, लेकिन उस स्ट्रगल से रिजवान और बाबर की जोड़ी ने निकाला पाकिस्तान को और धीरे धीरे स्कोर लाइन को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऐसे लगा कि भारतीय गेंदबाज आज बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन एक बात तो तय है कि यहां पर मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर भारतीय टीम को सफलता दिलाकर पूरे तरीके से बैकफुट पर खेल दिया है यहाँ पर पाकिस्तानी टीम को। बड़ी बात यह है कि 3 बड़े झटके लगने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की टीम यहाँ से अप्रोच करती है। रिजवान फिलहाल अपने अर्धशतक के बेहद करीब। इससे पहले बाबर ने यहाँ पर 58 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली, 7 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े, 100 छक्के लाए हैं फिलहाल बल्लेबाजी करने और 1 रन बनाकर फिलहाल नाबाद हैं। भारत की गेंदबाजी लाइनअप काफी दमदार अब नजर आ रही है। अब भारत की कोशिश यही होगी कि 250 के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान के स्कोर को रोका जाए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।